प्लेट इज एन जेंटमन वेलकम टू मॉड्यूल 192 नाइंटी टू नॉलेज एंड स्ट्रैटी अभी हम इन दो को आपस में को रिलेट करने की कोशिश करते हैं देखिए नॉलेज एंड स्ट्रेटजी हाउ नॉलेज फॉर्म द फॉर्म स्ट्रेटजी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजी जो है यानी नॉलेज की बुनियाद पे इनमीत की बुनियाद पे पिस्टमोलॉजी की बुनियाद पर ये कैसे बनती है एक शाख है इल्म की कोई भी इल्म की तो फलसफे की बुनियाद पर तो खाली इल्म नहीं बनेगा फलसफा जब एक्शन uh, रिस्पॉन्स में नहीं कन्वर्ट होगा तो कोई भी फॉर्म नहीं बनाएगा तो फॉर्म बनती कैसे सो फर्स्ट इट क्रिएट्स देन इट आइडेंटिफाई देन इट कलेक्ट देन देन इट शेयर इट एक्सेस एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल प्रोडक्ट सर्विस फोर एनीथिंग थिंग मूविंग ऑन टू क्रिएटिव Create the new knowledge which happens all the time across all the business functions. Then to identify, identify knowledge that critical to strategy and operations. Aapki operational then it's to collection. The collection of knowledge to share it further with others, Ye kaise collect karega, societal development, kaise karega, societal relation, how it can be usable for the society and the humanity. Agar humanity ko dekhun, it is all about humanity. वट एवर द बिजनेस बिजनेस को भी ऐसे होना चाहिए थे बट एंटरप्रॉज द न्यू सब्जेक्ट जिसने कहा कि ह्यूमैनिटी इज द रियल सब्जेक्ट टू एवरी थिंग दैट इज ग्राउंडेड रियलिटी फर्दर मोर रिव्यू जो होता है टाइम no 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 कि हमारे किसी काम का नहीं है जैसे हम हाइपोथेसिस के साथ करते हैं हम हाइपोथेसिस लेते हैं एक लेते हैं दो लेते हैं तीन लेते हैं द मोर एक्यूरेट हाइपोथेसिस लीड टू द थीसिस एंड एंटी मूव ऑन टू द शेयर शेयर नॉलेज थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेट कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज देन पुल इट ऑफ टू द एक्सेस कैन बी एक्सेसिबल और नॉट माइट बी पोसीबल और पुलेबल सो एक्सेस नॉलेज थ्रू द पुल लाइक सर्च एंड पुश लाइक अलर्ट मैकेनिज्म ये दो चीज़ें मैंने जैसे अर्ज की तो इसको पुल और पुश के ऊपर आप जरूर ले जाइए मैं अगर मजीद समझाने के लिए कहता हूँ कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है आप उसकी खुद डिमांड करते हैं वो पुल होता है और अगर आपको कोई खरीद नहीं रहा और आपने उसको पुश करना है पुश करके आपने उसको डिमांड क्रिएट करनी है दैट इज द प्रोसेस एंड फंक्शन एंड क्रिएटिंग द स्ट्रेटजी टू पुश कि हर हालत में मुझे लो भाई सो ये हमें पुश करना पड़ता है ए पुल इज आई एम एक्वायरिंग द नॉलेज I, I have a lust to acquire the knowledge so and so forth moving on the use the use knowledge to resolve problem quickly and make informed decision so decisiveness is the part or uh, in the knowledge strategy so up knowledge strategy the one is the knowledge strategy and second is the business strategy why knowledge is the another strategy why the business is another strategy Tekheji, knowledge base ke product ban उसके ऑपरेशन बन जाएंगे उसके फंक्शंस बन जाएंगे बट सेलेबल नॉलेज कैसे बनेगा इट इज़ अबाउट द बिजनेस सेलिंग टेक्निक्स आर इंटायरली डिफरेंट आप कहते हैं फंक् प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसको खुद बिकना चाहिए इंसान बहुत अच्छा है जब वो लिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे ऐसे तारीख़ में बेशुमार बड़े लोग मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे उनके नाम लिखे हुए उनकी किताबों के नाम पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई लेकिन वो वो सारे के सारे जो है वो खुफिया रहे मंजर आम पर नहीं आ सके या खुफिया रहना चाहते थे लेकिन वो कहीं भी नहीं आए लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट तो मुकम्मल था लेकिन उसके पास सेलेबल टेक्निक नहीं थी तो सेलेबल टेक्निक का होना बहुत अहम है अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन में तीन दिन किताबें ख़त्म करते हैं लेकिन आपने किन को दे दी हैं? लो एकमन लोग आपके यूट्यूबर्स हो गए तो वो क्या है आपके पास वो इल्म आ रहा है जो कि लो एकमन लोगों से आ रहा है जो हाई एकमन लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते चुनाचे वो भी गलत है और ये भी गलत होना ये चाहिए कि बड़े इल्म के लोगों को कहीं ना कहीं किसी सूरत आना चाहिए तो अगर इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम बाद में लेंगे लेकिन नॉलेज स्ट्रैटेजी में देखते हैं तो प्रोडक्ट इनोवेशन नॉलेज क्रिएशन इंटेलेक्चुअल कैपिटल देन इज अ प्रोसेस इनोवेशन नॉलेज शेयरिंग डिवेलप लर्निंग कल्चर देन इज अ प्रोडक्ट इनोवेशन कस्टमर नॉलेज इंटीग्रेशन एंड ब्रांडिंग नॉलेज हाउ कैन वी ब्रांड आर नॉलेज यकीन यहीं से मैंने आपको दूध की एग्ज़ाम्पल दी थी क्योंकि कश्मीर मौजूद में भी दूध की एग्जाम्पल दी गई आपने देखा तो दोधी का इल जो होता है ये जो बहुत सारे दोधी होते हैं वो दूध तो ले आते हैं लेकिन उसके बाद जो है आपके तक पहुंच जाता है उसकी ब्रांडिंग तो नहीं होती उसके अंदर खासियत क्या है लेकिन एक कंपनी जब दूध बेचती है तो कहती के है कैलसी लॉक है उसके अंदर वाइटमिन इतने बी वन इतना है बी टू इतना है आयरन इतना फ्लाएँ इतना है फ़्लाएँ इतना सो so, उसको ब्रांड कर दिया देन उसको टेट्रा में कन्वर्जन दे दिया फिर उसको कहा कि इसके पॉस्चराइजिंग इतनी है फिर उसको जो है हाइजीनिटी लेवल पर ले आए तो ये ब्रांड बन गया जब इसी तरीके से पत्ती खुली पत्ती और ब्रांडेड पत्ती के अंदर फर्क आ गया तो अपने नॉलेज को से खास बूटी के इल्म को बूटी नहीं रहने दिया उसको पहचान बनाकर सामने रख दिया वो चावल अब एक खास चावल बन गया अब वही बासमती चावल जो था जो कि आपको सत्तर में मिलता था आपको तीन सौ सत्तर में मिले लेकिन ब्रांड बन गया सो अब उसकी स्ट्रैटेजी कहां से आएगी इट इज मस्ट बी फोकस ऑन प्रोडक्ट सेल्स टाइम टू मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पेटेंट एंड प्रोडक्ट लेवरेज प्रोसेस सेम लाइनिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर ये ग्रोथ एंड वैल्यू पे थी फिर ऑपरेशन एंड इफेक्टिवनेस में और कस्टमर इंटरवेसी में ये दो चीजें देखेंगे यानी कस्टमर रिटेंशन हाउ कैन वी रिटेन आर कस्टमर टू दैट ब्रांड मैंने अपना एक टूथपेस्ट बनाया उसके अंदर लौंग डालना है लोंग डाल के मैंने दो तीन और चीज़ें भी डाल दी जो मेरे दांतों की दर्द के लिए इफेक्टिव होती हैं मैंने नमक भी डाल दिया फिर इसके अंदर मैंने छोटी छोटी चीज़ें डाली और वही एक आम सा साम जो है वो मैंने उसके अंदर जब दिया तो वो ब्रांड बन गया फिर वो एक ख़ास प्रोडक्ट की सूरत बन गई कि आपकी सेंसिटिविटी दूर करती है सो दिस इज हाउ द कस्टमर प्रोडक्ट नीड्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड पिटेनिंग अलाइंसिस सो दिस इज हाउ द कस्टमर इंटीमेसी आपके साथ उसका रिलेशन कैसे होना चाहिए मजहबी तौर पे अगर मैं एक सिर्फ लफ्स निकाल दूं मिसवाक तो मिसवाक की सारे इन्ग्रीडियंट टूथब्रश में डाल दिए जाए क्या कुछ अर्से के अंदर एक ऐसी शक्ल का टूथब्रश दे दिया जाए जो मिसवाक की शक्ल का हो और उसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ भी हैं वो उस मिसवाक की शक्ल की हो जाए और आप उसको आ, 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 उसके नीचे जो है वो मैकेनिज्म वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म डाल दें और वो फिर खुद से मूव होता रहे और फिर देन उसका कैप भी एक एलिगेंट सा लगा दें वही मैसवाक अपनी शक्ल तब्दील करते हुए डिजिटाइज किस्म का आपके सामने मैसवाख आ जाए पेन की शक्ल में आप सामने रख लें तो वो जो तबका जो बड़ा सेगमेंट था जो मसवाक इस्तेमाल कर रहा है आपका मजहबी सेगमेंट तो वो आप देखें कि वो आपका कितना बड़ा प्रोडक्ट और कितना बड़ा रेंज बन जाएगा तो आपको इस तरीके से सोचना होगा आप लोगों को तब्दील ना करें लोगों के मुताबिक प्रोडक्ट भी बनाए बाज़ात कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन से चेंज करते हैं पैराडाइम शिफ्ट कराएं और कुछ के पैराडाइम पे शिफ्ट होकर प्रोडक्ट को ले आए दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी स्ट्रेटजी फॉर द नॉलेज ए नॉलेज मेक द स्ट्रेटजी थैंक यू वेरी मच